गाइज वेलकम टू हंगर बॉक्स। जन्माष्टमी का त्यौहार है और जन्माष्टमी मलाई पेड़े के बिना अधूरी है, इसीलिए आज हम बनाएंगे मथुरा के स्पेशल मलाई पेड़े बाय यूजिंग 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स, मिल्क, शुगर, केवड़ा, केसर एंड घी। सो चलिए लेट्स डू इट। मिल्क को कांस्टेंट हीट पर रिड्यूस करेंगे। जैसे जैसे मिल्क रिड्यूस होता जाएगा, कढ़ाई की वॉल पर एक मलाई की लेयर बननी शुरू हो जाएगी। सो इस लेयर को भी आप दूध के साथ मिक्स कर देंगे ताकि जो मिल्क की कंसिस्टेंसी है वो तो थिक हो ही जाए, पर जो आपके मलाई पेड़े हैं वो माउथ रिलिशिंग बने। जब मिल्क हाफ रिड्यूस हो जाए तो इसमें केसर ऐड करिए एंड कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहिए। जैसे ही मिल्क की कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी उसमें थोड़ी हार्डनेस आएगी और यू हैव टू कीप स्टिरिंग इट। अगर हम कॉन्टिन्यूसली स्टर नहीं करेंगे तो जो आपका मावा है वो कढ़ाई पर लगना शुरू हो जाएगा और जो आपके पेड़े हैं उसमें एक बर्न टेस्ट आएगा। जब आपका मावा बनकर तैयार हो जाएगा तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऐड करना है। इसे मावे में एक सॉफ्टनेस आ जाएगी और मावा कढ़ाई पर नहीं चिपकेगा। जब मावा सारा घी एब्जॉर्ब कर लेगा तब आप इसमें शुगर और केवड़ा ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने पर मावा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इस टाइम पर आपको इसे कॉन्टिन्यूसली स्टर करना है और शुगर को कुक करना है। जब शुगर पूरी तरह कुक हो जाएगी तो ये फिर से एक हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। हमारे पेड़े ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। जन्माष्टमी का मौका है, खुद भी पेड़े खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए और मिठास बांटिए। सो दिस वॉज टूडेज रेसिपी। वी होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियोज एंड रेसिपीज स्टे ट्यून्ड विद हंगर बॉक्स।